डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4B बताया था और उसको आप करने के बाद अब आज हम एक्सरसाइज 4C बताएंगे। और इसमें भी बिल्कुल 4A 4B की तरह ही क्वेश्चंस हैं, बट नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनके क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना इसमें हम सिखाएंगे। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएं। एक्सरसाइज 4C फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स गिवन है और मोस्टली नेगेटिव इंटीजर्स गिवन है और उनके क्यूब्स फाइंड आउट करना है। और पहले हम पॉइंट्स बता चुके हैं कि नेगेटिव नंबर्स के क्यूब्स नेगेटिव ही होते हैं, तो सो इजी। और जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, -7, -7 का क्यूब बताना है, मीन्स -7 × -7 × -7, पता है आपको नेगेटिव आना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 343। ओके, तो इस तरह से सभी पार्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इन पार्ट्स में। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स के सभी क्यूब्स फाइंड आउट करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं नेगेटिव का क्यूब्स नेगेटिव ही आएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा, दैट्स व्हाई क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और ये भी आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट्स भी नेगेटिव ही आते हैं, राइट? कैसे आएंगे ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना। इसमें भी एक दो पार्ट बता दे रहे हैं, नथिंग, वेरी इजी। और जैसे पिछली एक्सरसाइज 4A 4B किया है, उसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी कर लेना है। बस दिमाग में ये रखना है कि द क्यूब रूट्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो नेगेटिव। बस नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब रूट्स हैं यहां। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट दैट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ, यहां 3 बनाएंगे। आप लोग गलती करते हैं, इधर बाहर बना देते हैं। इस जो रूट साइन बना हुआ है यहाँ पे क्यूब बनता है, राइट? अंदर रूट के अंदर ही बनता है, राइट? कितना दिया है, 2197 -2197, राइट? जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब क्या होगा, माइनस बाहर कर लीजिए एंड इट विल बी क्यूब रूट्स ऑफ 2197। अब इसका फैक्टर आप काट लीजिए, 2197 13 से कटेगा 169, फिर 13 से कटेगा 13 और 38 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस पहले से अंडर रूट के अंदर, 13 × 13 × 13। आप जानते हैं कि क्यूब में 3 के ग्रुप्स में से एक नंबर लिखना होता है, माइनस पहले से -13। इस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स के आप क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे, राइट? नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब्स क्या होते हैं, नेगेटिव, वो पहले ही हमने नेगेटिव ले लिया बाहर, और उसके बाद जो नंबर बचेगा उसका क्यूब। ओके, तो यू कैन फाइंड आउट क्यूब रूट्स ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। ओके, चलिए एक पार्ट और बता दे रहे हैं, इसमें सेकंड का कोई भी एक पार्ट देख लिया जाए, राइट? चलिए थोड़ा सा ग्रेटर, ज्यादा बड़ी डिजिट है, 6 पार्ट। ओके, नाउ 6 पार्ट, क्यूब रूट्स ऑफ, यहाँ क्यूब रूट्स 3 लिख देंगे, इप्सोस क्यूब रूट्स यहाँ पे, राइट? क्यूब रूट्स ऑफ -7 × 9 0 0 0। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स की आप जानते हैं माइनस आ जाएगा, क्यूब रूट्स ऑफ 7 × 9 3 0, आप इसका फैक्टर ले लेंगे 7 × 2, किसी के से कैंसिल होगा, 3 2 6
थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री एट जा थ्री वन जा थ्री जीरो भी है, चलिए जीरो चलाते रहे, ओके थ्री एम्प्टी सेवन आएगा, थ्री नाइन थाउजेंड आ गया, थ्री थ्री थाउजेंड आ गया, अगेन थ्री थाउजेंड आ गया। अब इसको चाहे तो टू से या टेन से डायरेक्टली कर सकते हैं, हालांकि टाइम नहीं है, चलिए टू से करने करेंगे, और टू फाइव जो टेन फाइव हंड्रेड टू इंटू टू फिफ्टी, अगेन बाई टू वन ट्वेंटी फाइव, अगेन बाई फाइव ट्वेंटी फाइव, अगेन बाई फाइव फाइव, एंड इट इज वन टेन, ओके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या फैक्टर्स आए, माइनस क्यूबिक रूट ऑफ टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, देखिए कितने टाइम्स है, सिक्स टाइम्स है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, अगेन इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव। ग्रुप बना लीजिए थ्री के, वन ग्रुप, टू ग्रुप, थ्री ग्रुप्स, फोर ग्रुप्स, राइट वन डिजिट फ्रॉम ईच ग्रुप, यहां से टू थ्री थ्री एंड फाइव, मल्टीप्लाई इट माइनस टू थ्री जो सिक्स, फाइव जो थर्टी, थ्री जो नाइन, ओके। तो इसका हम लोगों ने क्या क्यूब रूट निकाल लिया, फाइंड आउट किया, माइनस नाइनटी, ओके। इस तरह से हर एक पार्ट, एवरी पार्ट यू कैन फाइंड द क्यूब रूट्स, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय फाइंडिंग देयर क्यूब रूट्स, बाय फाइंडिंग देयर क्यूब रूट्स, ओके। First of all, we have to find the cube roots of the given products, and with the help of that, we have to find the product. Okay? First part, or just a first part होगा, exactly in the similar way, you can solve other part also. Okay? It is given product 8 into minus 343. You have to find this product by finding their cube roots. Okay, let cube roots. We can find cube roots. Let it is x. आप ऐसे मान लीजिएगा कि cube root x cube मान. Let its value is x cube, right? Therefore, x cubic root of 8 into cubic root of minus 343. You know, cubic roots of 8 kitna hota hai? 2 into iska cubic root aap jante hai, okay? 7, okay? Minus 7. You know. 7 into 7 into 7, minus ka cube root minus aa gaya, minus, okay. It is the cube root of this number. Therefore, x cube means minus 14 cube. Aap jante hain negative ka cube kya hota hai? Minus 14 into 14 into 14, multiply kar lenge. In this way, by finding their cube roots, we can find the product. 14 का क्यूब आप निकाल लीजिए, माइनस 296, 14 को 196 इनटू 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे 196 का किस में, 14 में, ओके मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
2740 ओके इसका प्रोडक्ट यही है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं 8 3 24 8 4 42 प्लस 2 44 हो गया यहाँ 3 8 3 24 and 3 26। बट उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड देयर यूनिट्स एंड देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, वी हैव टू इवैल्यूएट दीज प्रोडक्ट्स बाय फाइंडिंग क्यूब रूट्स। तो एक तरह से इन नंबर्स का पहले हमने क्या किया, क्यूब रूट्स निकाला, इसीलिए दैट्स व्हाई आई सेड x क्यूब, यू हैव टू फाइंड x क्यूब, बट क्यूब रूट्स मींस x, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 43, क्यूब रूट्स ऑफ 8 इज 2 एंड क्यूब रूट्स ऑफ -243 इज 7 -14, बट वी हैव टू फाइंड x क्यूब मींस -14 क्यूब, फिर इनका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाय फाइंडिंग द क्यूब रूट्स वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट आल्सो। ओके, इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फॉर सेकंड पार्ट में चलिए देख लेते हैं इसी का थर्ड का सेकंड। We have to find product of -5 into 1000. Okay, say it is x cube. I mean that I say x cube, right? Take it x cube. Then what will be cube roots x? X will be cube roots of -512 into cube roots of 1000. You know the cube roots of these numbers, okay? Cube roots of negative is minus, here put here minus, cube roots of 512 into cube roots of 1000, you know 512, you know that the first cubes of first 10 numbers, usme ye kiska hai 6 ka, its cube roots is 6 into its 10 minus 16, it is x, but we have to find x cube again. Product, it means -60 cube. You know cube of negative is negative and 60 into 60. Okay, तो फिर जीरो आ जाएंगे, right? And 6 into 6 into 6 करेंगे 512 and here is negative sign. तो इस तरह से हमने cube root find out करके और उनके प्रोडक्ट फाइंड किए हैं। जैसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बाय फाइंडिंग फर्स्ट क्यूब रूट्स। तो हमने क्यूब रूट्स निकाला पहले, जितना आया फिर देन वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। क्यूब मींस क्यूब ऑफ 60 मींस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, इन दोनों के प्रोडक्ट पे इक्वल इसका क्यूब होगा, राइट? इस तरह से सभी पार्ट्स करने हैं, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट सभी करने हैं, राइट? Now next question is fourth question. Question number four. Find the value of the following. Find the value of the following. Okay. First value is cube root of 64 into minus 1. Okay, one point you should remember, if anywhere यदि ये दिया है a into b, then you can write cube root of a into cube root of b. ध्यान रखना इस रूल को कि अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब है तो we can find separately cube roots, it must be known. याद रखिएगा, okay, the cubic of a into b is equal to cubic of a into cubic of b, cube root of b, cube root of product of two number is equal to cube product of their cube roots. Okay, ध्यान रखना है. So we can write this cube roots of 64 into cube roots of -1. Cube roots of 64 you know 4. And cube roots of -1 is minus, and 1 ka cubic roots is after 1, it means -4. Okay, ek aur part dekhiye, clear ho jana chahiye. Abhi maine bataya tha, p
क्यूबिक ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज क्यूब रूट्स ऑफ ए इनटू क्यूब रूट्स ऑफ बी. यू कैन राइट क्यूब रूट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए इनटू बी इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ ए इनटू क्यूब रूट्स ऑफ बी. ओके, यू कैन राइट. और प्रैक्टिस करें किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड. ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज गिवन. सेकंड पार्ट इज गिवन क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 4913 इंटू 8. ओके, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला यू कैन राइट हियर क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 4913 इंटू क्यूब रूट्स ऑफ 8. यू कैन राइट, अभी बताया है माइनस का यहाँ क्यूबिक है, माइनस बाहर आ जाएगा. क्यूब रूट्स ऑफ 4913 एंड क्यूब रूट्स ऑफ 8. इसका इटू आप जानते हैं, बट इसका प्राइम फैक्टर्स यू कैन फाइंड. ओके, आप इसका जानते हैं, अभी आया था ये 4913 पहले भी आ चुका है. ओके, तो इसका कर सकते हैं 4913 का कितना होता है, इससे कैंसिल आउट होगा. Probably its factor is 1, 3, 4, 9, 14 and 4, 17. 23 से divide कर लीजिए, देखिए 4, 9, 1, 3. Yes. 11 से भी हो सकता है, चेक करिए. 4, 9 नहीं, 11 से नहीं होगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 से कैंसिल करके देख सकते हैं, 13 से भी नहीं होगा. 14, 15, 16, 17 से देख सकते हैं, 17 का हो सकता है ये. 4, 9, 1, 3. Eight times, yes. 17 होगा इसका फैक्टर, ध्यान रखिएगा. माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू, इसका क्यूबिक रूट जानते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. यहां से देखिए कितना आ गया, माइनस 17 इंटू यहां से कितना आया 2, इट मींस इट इज माइनस 30. ओके, कल भी मैंने ये बात बताई थी कि प्राइम अगर फैक्टर्स 15 से ऊपर है तो या तो लर्न रखिए, इसे ध्यान रखिए कि 4913 किसका क्यूबिक है, 17 का है. अप टू 20 अगर लर्न रहे तो बेहतर है. ओके, ध्यान रखिए इसको, यू हैव टू सॉल्व देम. तो इन दिस वे, चलिए एक और पार्ट इसका बता दे रहे हैं. नेक्स्ट वन इज सेम सेवेंथ पार्ट. इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड सेवेंथ पार्ट इज गिवन क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 27 इंटू माइनस 2744. ओके, यू कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 27 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 2744. ओके, इसका पहले से ही जानते हैं, इट्स नेगेटिव का तो बाहर कर लीजिए, राइट. माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 27, यू नो नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूबिक क्यूब रूट कितना होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कर लिया 27, और इसका भी माइनस होगा एंड क्यूबिक रूट ऑफ 2744. ओके, यू नो इट्स फैक्टर इज 3 इंटू 3 इंटू 3
और इसका फैक्टर ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, एंड नाउ 2744 का अपसरण 2 से कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 23 जा 27 जा 22 जा 26 जा ओके 28 जा 26 जा 23 जा 24 जा 23 जा और जानते हैं ये 7 का है 49 एंड 7 एंड ओके तो इसके में क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7 यस यू कैन फाइंड यहां से कितना आ गया 3 यहां से देखिए 2 यहां से कितना आया 7 मल्टीप्लाई विद ओके तो इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स यू कैन डू ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बिफोर ओके एंड नाउ एक्सरसाइज फिनिश्ड इट इज एक्सरसाइज 4C आप कर सकते हैं इसे और आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज 4D सॉल्व करा देंगे ओके आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर नहीं किया है तो आप अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।